इतनी इज्जत की जरूरत नहीं है। रुको रुको बाहर निकल लेना भाई, गेट लगाना जब तक एक्ट खत्म ना हो। वैसे मेरा नाम प्रीतम प्यारे, कमीनों ने गाना भी मना, पैसे नहीं दिए। हाल फिलहाल में श्री राजेश खन्ना साहब का निधन हुआ। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो है शोक की लहर दौड़ी थी। हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों को ये बात तो जो है टीवी में पता चली, बात है चोटी वाले बाबा उन्होंने बताया। 70 के दशक के महानायक का निधन, साले बता रही है डरा रही है, कमीने तूने किया होगा। मेरे को तो इस बात से डर लगता है कि ये कोई बात को किसी बात से ना जोड़ दे, जैसे कि लाला खान का दुख बर्दाश्त न कर बाइस करके राजेश खन्ना साहब का निधन हो गया, या तो डेड बॉडी से पूछ ले हाउ आर यू फीलिंग सर, हाउ आर यू फीलिंग। अब आशीर्वाद बंगलों के सामने लाखों लोगों की, फैंस की भीड़ थी। प्यारे भी पहुंचा आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए राजेश खन्ना साहब को, और क्या देखता है कि श्रद्धांजलि के बजाय लोग जो है वहां खड़े चिल्ला रहे चीख रहे, ओ माय गॉड शाहरुख खान, होने में साइकिल स्टैंड के पास में एक सज्जन रो रहे हैं। मैंने कहा यही फैन है बॉस, यही फैन है राजेश खन्ना साहब का, रियल फैन। मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने देखा जैसे मैं करीब पहुंचा बड़े बड़े सीन निकल गए उनके। मैंने कहा यमराज मुझे दिख रहा है, इससे पहले कि मैं रोता वो ही रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर क्या हो गया सर, व्हाट हैपेंड, काय सांगणार तुला, अरे माझा बैल, सर बैल का निधन हो गया, नहीं माझा बैल इथे बांधलं होतं। मैंने कहा बैल बांधलं होतं इथे, लो सर कर लो हाँ, है लो पार्किंग जोन में बैल बांध रहे हो सर, आरटीओ वाले तो ठाके ले जाएंगे ना सर। यमराज है ज्यादा क्रिएटिव नहीं बनने की जरूरत है। एनीवेज लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने यमराज से पूछने की कोशिश की सर बताओ ना सर प्लीज सर ये कहाँ से शुरू आती है, मतलब यमराज सर कमाल का जॉब है सर, आपका जॉब प्रोफाइल बड़ा कमाल का है, बताओ सर। तो यमराज बोलना शुरू, कई डांग ने बहुत परेशानी है बाबा, बहुत परेशानी। मैंने कहा सर क्या हो गया बताओ, ऐसी क्या परेशानी सर, आप यमराज काम कर रहे हो सर, बड़े बड़े लोगों उठाने का काम कर रहे हो, आपको किस बात की परेशानी, क्या है जब से मेरे खाते में बॉलीवुड आया ना तब से मैं बहुत परेशान हूँ सर। ऐसी क्या बात हो गई सर, कौन से एक्टर को सबसे पहले आपने उठाया बताओ सर, आई एम एक्साइटेड, बताओ ना सर। शुरू में पहली बार मैं उठाया वो गब्बर सिंह को, मैं गया उसके पास, मैं बोला तुम्हारा समय आ गया है चलो अभी यहाँ से, तो बोले कितने भाई से, हाँ कितने भाई से, मैं बोला भाई साहब तो एक ही है, एक भाई साहब और एक भी तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। खुद भाई साहब का बैठ गया और मेरे को बोला जब तक भाई साहब चलेगा तब तक तेरी सासें चलेंगी। दूसरा कौन, किसको उठाया आपने, दूसरा अमरीश पुरी, मुकेम्बो, आपने मुकेम्बो उनको उठाया आपने, कमाल है सर। तो सर फिर क्या, मेरे को लगा सज्जन मिट्टी है, दरवाजे तक बराबर गया, उसके बाद औकात में आ गया। क्या किया सर, वहां जाकर बोलते है नाचो, मुकेम्बो खुश नहीं हो रहा, सारी अप्सराएं नाच रही हैं, उसके बाद बोलता है मुकेम्बो खुश हो, कोई बात है क्या। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन सर फिर उसके बाद मैं हॉलीडे पर चला गया न्यूयॉर्क, मेरे को जमा नहीं बाबा। सर न्यूयॉर्क चले हैं सर, हॉलीवुड वहां पर बहुत विदेशी लोग सर, बड़े बड़े स्टार्स, डस्टिन हॉफमैन, मार्लन ब्रांडो, एल पचिनो और पता नहीं कौन से स्टार सर, आप उन लोगों से मिले सर। नहीं मिलना क्या है, अपने पास एक फोटो था, अपन उसको ढूंढ रहे था। किसका, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, माय गॉड इन्होंने माइकल जैक्सन को उठाया, यार सर आपके भैंसे में बैठे माइकल जैक्सन। क्या बोलेगा, क्या है फोटो जो दिए था वो काला था, अभी धरती पे आके गोरा हो गया, अपन ढूंढ रहे माइकल जैक्सन का है, माइकल जैक्सन का है, बहुत तकलीफ हो गई, बहुत पूछे पाले। तो फिर सर माइकल जैक्सन आपके भैंसे में बैठे। नहीं भैंसे में नहीं बैठे बाबा, मून वॉक करते करते गए मून तक। क्या मून तक, फिर सर रास्ते में कुछ बोला तो नहीं। बोला ना, इतना हल्का आदमी इतना छिड़ाया मेरे को उसने। सर क्या बोला, इट्स ब्लैक इट्स व्हाइट, ये तो तरीका है। लेकिन सर ऐसा कोई सज्जन नहीं,
इतनी आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिला हो? मिला ना, बहुत मिले, एक से एक बढ़कर सज्जन व्यक्ति मिले। सर कौन मिला सर? एवरग्रीन। देवानंद साहब एवरग्रीन। ये वाले क्या बोलेगा? अरे पकड़न पकड़ाई खेलते खेलते मैं थक गया, वो नहीं थक रहा था। मैं जाता इधर पकड़ने तो बोलता, मैं जाता इधर पकड़ने तो बोलता, बहुत तकलीफ हो गई बाबा। और मेरे को बोले अभी तो मैं जवान हूँ। अरे मैं बोला तू जवान है पर मैं तो 200 साल पुराना है ना बाबा। हाँ सर वो देवानंद साहब का वैसा है सर, मतलब वो मतलब जाते जाते भी मेरे को लगता है स्टाइल में गए होंगे सर। लेकिन सर इसके बाद? इसके बाद दारा सिंह। दारा सिंह सर, आपने दारा सिंह को उठाया? कमाल है सर दारा सिंह। क्या बोलेगा, भाई से बैठता था तो उम्मीद में उतरता था। क्यों सर? बोलता था आज पास ही कुश्ती खेले, पता नहीं था तो भी बिछड़ता बिछड़ता मेरे को यहाँ तक लेके गया था, दूर तक मेरा पूरा बॉडी में पेन है, अभी तक आइडोस लगाता है मैं। सर वो थोड़े कुश्ती में सर उनकी रुचि रही सर। लेकिन सर आपको कोई भी सज्जन? अरे क्या सज्जन सज्जन लगा रखा है तूने, तीन तो मिल ही नहीं रहे मेरे को। कौन सा? एक तो वही हो, उसके घर के सामने जाओ तो मैं बोलता है बाहर निकल, तो बोलता ए भाई ए घर पे कोई नहीं है मेरे भाई, बाद में आना। मैं वापस आ जाता। सर दूसरा? दूसरा वो भरत कुमार, मैं उसके घर के तरफ जाता तो मुंह छुपा लेता। अब मेरे को कितनी तकलीफ ढूंढने में। और तीसरा सबसे बड़ा नाला है सर कौन? वो MDH मसाले वाला बुढ़ऊ। क्यों सर? अरे जब भी जाओ अपने MDH मसाले मेरी आंख में फेंक के भाग जाता। अमीना जिस दिन मेरा ना पहले सबसे पहले उसी को झड़पूंगा, उसके बाद लेके जाऊंगा। तो सर कहने का मतलब है कि आपको कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला? मिला ना। कौन सर? राजकुमार। जानी वो सर राजकुमार वो मिला आपको? और क्या, वो गेट पे आ गए, अपनी ड्यूटी लगी थी उस दिन, आई हम लोग गेट पे, वो आ गए बोले जानी हमें अंदर जाना है। हमने बोला ए भाई हेलो नाम क्या? बोले राजू राजकुमार। हमने बोला तुम्हारा समय आया नहीं है, तुम आए कैसे? तो बोले जानी पैदा होने के लिए हमने अपने बाप से नहीं पूछा, तुमसे पूछेंगे, एंट्री दो वरना हम। ए मैंने कहा चाबी बहुत हमारी लाए, तू तू एंट्री कर ले बाबा, इससे पहले कि तेरा विचार बदले और तू हिंदुस्तान या धरती पर वापस चले जाए, उसके बाद हमको तेरे को लाने में तकलीफ हो, वो अड़ जाए तो भैया तेरा को भरोसा है।